सो हे गाइस, स्वागत है आपका पोकेमोन की एक और नई वीडियो में। गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 फेरी टाइप पोकेमोन्स के बारे में। एंड गाइस यार, इनके स्टेट्स स्ट्रॉन्ग एंड वीकनेस के हिसाब से इनको रैंक करेंगे। एंड गाइस वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को अभी से ही लाइक कर दो। एंड गाइस चैनल पर नवे हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना, क्योंकि गाइस यहाँ पे आपको पोकेमोन्स के अपडेट्स एंड पोकेमोन्स की थ्योरीज दोनों ही मिलते हैं। तो गाइस वीडियो को अब कोई बिना कोई देरी के शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। नंबर 5 मिस्टर माइंड। तो गाइस यार मिस्टर माइंड दो टाइप का पोकेमोन है, फेरी एंड साइकिक। गाइस यार इसके पास बेसिक स्टैट्स के बारे में बात कर जा चुकी है, 460 एंड इसकी एचपी मुझे ज़्यादा बेहतरीन नहीं लगी, लेकिन इस जो इसकी डिफेंस एंड स्पीड है जो कि गाइस काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। एंड स्ट्रॉन्ग में बात कर जाए तो गाइस फाइटिंग ड्रैगन एंड डार्क पोकेमोन के खिलाफ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड इसकी मूव्स भी काफ़ी हद तक ठीक है। एंड ये 3 टाइप पोकेमोन के खिलाफ वीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा वीक है ये स्टील टाइप के खिलाफ। एंड गाइस फोर्थ पोकेमोन के बारे में बात कर जो कि काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस क्यूट पोकेमोन्स में आता है, जो कि मिमिक्यू। एंड गाइस मिमिक्यू फेरी एंड घोस्ट टाइप पोकेमोन है। इसकी बेसिक स्टैट के बारे में बात कर जाए जो कि 476, जो कि काफ़ी हद तक ठीक है। एचपी भी इसकी नॉर्मली है, लेकिन स्पीड एंड डिफेंस इसकी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। एंड गाइस बात कर जाए वीक किसके खिलाफ है, तो गाइस वीक है ये घोस्ट एंड स्टील टाइप के खिलाफ से ज़्यादा वीक है। एंड गाइस इसके मूव्स भी काफ़ी हद तक ठीक है एंड बेहतरीन मूव्स है इसके। तो गाइस बात करते हैं नंबर 3 के बारे में, जो कि डेंसी। एंड गाइस डेंसी या मिथिकल पोकेमोन है, जो कि काफ़ी बंदों पे कम है। एंड ये 2 टाइप पोकेमोन है, रॉक एंड फेरी। एंड इसका मेगा एवोल्यूशन हर किसी के पास नहीं है। एंड जो इसका शरीर का शेप है, इसके कारण ये अपने नॉर्मल पोकेमोन इस पर ज़्यादातर अटैक करेंगे, तो इसको ज़्यादातर असर नहीं पड़ेगा। एंड इसके बेसिक स्टैट के बारे में बात कर जाए जो कि 700 एंड ये मेगा एवोल्यूशन होने के बाद इसके सारे स्टैट 100 के ऊपर हो जाते हैं, लेकिन जो इसकी एचपी मुझे ज़्यादातर अच्छी नहीं लगी, क्योंकि जो काफ़ी ज़्यादा लो है। एंड इसके डिफेंस स्पीड अटैक सब कुछ इसका ठीक है। यार ये 4 टाइप पोकेमोन्स के खिलाफ वीक है। एंड अगर इसकी वीकनेस यही ज़्यादा इसकी कमजोरी बनाती है, क्योंकि इसकी जो एचपी है वो 4 टाइप के खिलाफ के वीक है। मतलब कि इसका डिफेंस से तो नॉर्मल अटैक्स झेल लेगा, लेकिन यार इसका एचपी ज़्यादातर इसका वीकनेस के मामले में आता है, जो कि यार इसकी वीक पॉइंट बहुत ज़्यादा वीक पॉइंट हो सकता है। नंबर 2 के बारे में बात करें जो कि जेंसिया। जेंसिया गाइस बहुत ज़्यादा खतरनाक पोकेमोन है, जो कि यार एक लेजेंडरी में गिना जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड इसकी बेसिक स्टैट के बारे में बात करें कि बेसिक स्टैट गाइस इसका 720 है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। एचपी में तो ये पीछे किसी को छोड़ने वाले हैं। एचपी बहुत ज़्यादा इसकी अटैक स्पीड डिफेंस सब कुछ इसका गाइस बहुत ज़्यादा है। इसके अटैक्स के बारे में बात करें तो अटैक्स इसके पास बहुत सारे अटैक्स हैं। एंड कहते हैं 2 टाइप के खिलाफ वीक है, जो कि यार उतना भी इसको असर नहीं डालता, क्योंकि अरे बहुत ज़्यादा ही अपने आप में स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है। गाइस नंबर 1 के बारे में बात कर जाए जो कि है एक्सीनियस। एंड गाइस ये बहुत ज़्यादा एक पोकेमोन खतरनाक है, क्योंकि इसके जो फेरी और अटैक है ना गाइस, इसके कारण इसके जो अटैक्स स्टेटस सब बढ़ जाते हैं। मतलब कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर हो जाती है इसके अंदर। बेसिक स्टैट है 680, जो कि यार मेगा मतलब कि जो इसका फेरी और अटैक है ना, वो होने के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। एचपी, अटैक, डिफेंस एंड इसकी स्पीड भाई किसी में भी पीछे नहीं है यार। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक पोकेमोन है। एंड यार इसकी वीकनेस के बारे में बात कर जाए तो 2 टाइप पोकेमोन के खिलाफ वीक है। इसकी अटैक्स के बारे में बात कर जाए तो इसके अटैक्स के पास भंडारा है। साइकिक है, ड्रैगन है, फाइटिंग है, ग्रास है, बहुत सारे अटैक है गाइस इसके पास। एंड गाइस यार ये रही अपनी टॉप 5 फेरी टाइप पोकेमोन्स की लिस्ट। आई होप गाइस इसमें आपका फेवरेट पोकेमोन होगा। एंड यार अगर आप मेरे से कोई पोकेमोन छूट गया है एंड आप किसी फेरी टाइप पोकेमोन के और भी अटैक्स में वीकनेस के बारे में जानते हो, तो गाइस यार मुझे कमेंट में बताना। एंड गाइस यार आप मिमिक्यू के बारे में एक अलग सी वीडियो चाहते हो, तो गाइस उसके ऊपर वीडियो आएगी, लेकिन यार ये आपके ऊपर है कि आप वो वीडियो देखना चाहते हो कि नहीं, मुझे कमेंट में बताना। एंड गाइस वीडियो कैसी लगी गाइस वीडियो लाइक कर देना, मैं खुद ही समझ जाऊंगा कि वीडियो अच्छी लगी है, आपको मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई। एंड गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना, क्योंकि बहुत सारे भाई हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। एंड यार मैं आपको जल्दी मिलूंगा एक नवी थ्योरी नवी पोकेमोन की अपडेट में। तब तक के लिए बाय गाइस।